अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मॉमी कुक्स फॉर मी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाने लगे हैं एक केक, और ये केक बिगिनर्स के लिए है। आपने अभी बेकिंग स्टार्ट की है तो आप ये मेथड ट्राई करें, बहुत जल्दी से बन जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। जो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है वो मेजरमेंट है। अगर मेजरमेंट आपकी ठीक है तो आपका केक बहुत अच्छा बन जाएगा, और अगर थोड़ा सा ऊंच नीच हो जाती है तो फिर आपका केक ख़राब हो सकता है। आप कोई भी नॉर्मल साइज़ का चाय का कप ले लें और उसको आप इस्तेमाल करें। एक कप आप मैदा ले लें, एक कप चीनी और आधा कप आप ऑयल ले लेंगे। उसके साथ आप 3 अंडे लेंगे, और हम इस्तेमाल करें गरम दूध, वो 6 to 7 टेबल स्पून के बराबर आप दूध ले लेंगे। और अब हमने करना क्या है, आप अंडे और 1 टीस्पून वनीला एसेंस इसको अच्छे से ब्लेंड कर लें। 1 से 2 मिनट के लिए आप इसे ब्लेंड करेंगे। अंडे अच्छे से ब्लेंड हो गए तो फिर हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल डाल के आप इसे फिर से ब्लेंड करोगे 1 से 2 मिनट के लिए, और फिर इसके बाद हम इसमें शुगर ऐड करेंगे, और फिर हम इन तीनों चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडर में केक बनाने का ये फ़ायदा है कि आपका केक बहुत जल्दी बन जाता है, आपका टाइम इतना ज़्यादा नहीं लगता। केक आप बहुत सारे तरीक़ों से बना सकते हो, चाहे तो आप एग वाइट और एग योक को आप सेपरेटली बीट कर सकते हो, उसी तरह से आप सब चीज़ों को इकट्ठा ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे आसान तरीका था इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इसमें गरम दूध जो मैंने आपको बताया था वो इसमें डालें और इसको ब्लेंड कर लें। इसमें मैं पिंच ऑफ फूड कलर ऐड करूंगी, क्योंकि अगर आप चाहते हो आपका केक बिल्कुल बाजार वाले केक की तरह खूबसूरत से नज़र आए तो उसमें आप थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दें, उससे एक अच्छा सा येलो कलर आ जाएगा। अब ये बैटर हमारा तैयार हो गया है, इसे हम किसी मिक्सिंग बाउल में निकाल लेते हैं, और फिर हम इसमें साथ साथ आपका जो मैदा है या फ्लावर आपके हैं उससे आप इसमें मिक्स करते जाएंगे। किसी भी स्पैचुला से मिक्स कर लें, या अगर आपके पास कोई विस्क है उससे मिक्स कर लें। अब इसमें जाएगा 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, ये बैटर हमारा तैयार हो चुका है, और अब हम इसे बेकिंग ट्रे में डालेंगे और 35 to 40 मिनट्स के लिए हम इसे बेक करेंगे। जो आइडियल टेम्परेचर है केक की बेकिंग के लिए वो 325 to 425 फ़ारेनहाइट डिग्रीज तक है, तो ये आप अपने ओवन के हिसाब से टेम्परेचर को एडजस्ट कर लें। मैं इसको मीडियम हीट पर रखूँगी। बेकिंग में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मेजरमेंट, उसके बाद है कि आपका जो ओवन का टेम्परेचर है, इसी तरह से आपकी टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका केक कितना टाइम ले रहा है बेक होने में। अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपका केक बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो गया। और एक और चीज़ है कि आपने ओवर मिक्सिंग नहीं करनी। मोस्टली केक बेकिंग जो है वो 30 to 35 मिनट्स लेती है, समटाइम 40 मिनट्स भी ले देती है अगर आपका बैटर ज़्यादा क्वांटिटी में है, आप केक की लेयरिंग्स दे रहे हैं तो उसमें भी टाइम लग। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका आप ख्याल रखेंगे तो आपका केक बहुत अच्छे से बन जाएगा। जब आपका केक बनकर तैयार हो जाए तो उसे एटलीस्ट इतना टाइम दें कि वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए, आसानी से आप उसे मोल्ड से बाहर निकाल सकें। देख सकते हैं कि केक की शक्ल भी बिल्कुल ख़राब नहीं हुई, ये सब साइड्स से इक्वली राइज हुआ है। तो आप भी ये केक की रेसिपी ट्राई करें और अपना फीडबैक दीजिए कि आपको केक कैसा लगा और आपसे केक कैसा बना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, इंशाल्लाह विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन अल्लाह हाफिज़।